बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कनाबद व या कनस्ताइन। मैं आज डॉक्टर यास्मीन आपको और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार आपको लिया आके ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं चाहता था कि हर पंजाब का जो शहरी है, हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप मेरे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा बरतानिया गया तो मुझे वहाँ दो चीज़ें नज़र आईं जो पाकिस्तान में नहीं थी, जबकि पाकिस्तान तब भी दुनिया में बड़ी हैसियत रखता था। पाकिस्तान आज से 50, 60, 70 साल पहले पाकिस्तान की दुनिया में बहुत हैसियत थी, तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया में तेज़ी से ऊपर जा रहा था, और हमारी मिसालें भी दी जाती थी दुनिया को। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं। तो तब जब मैंने बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा दो चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में नहीं थी। एक, कानून की हुक्मरानी, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं था, कोई उनका बरतानिया का शहजादा या शहजादी कानून से ऊपर नहीं थे, सबके लिए एक कानून था। और दूसरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक फलाई रियासत देखी। हम कोई भी जाके अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा मुफ्त इलाज होता था। हम यानी कि हम तो बरतानिया के शहरी भी नहीं थे, तो बरतानिया के शहरियों का हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज था। तो ये पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा कि फलाई रियासत होती क्या है, क्योंकि पाकिस्तान जब ये पाकिस्तान बना था तो इसने इस्लामी फलाई रियासत बननी थी। तो हमने तो कभी यहाँ फलाई रियासत नहीं देखी, लेकिन बरतानिया में देखी। और वहाँ एक गरीब आदमी अगर उससे कोई नाइंसाफ़ी होती है, वो अदालत में जाता है तो उसको मुफ्त इंसाफ मिलता है, लीगल एड मिलती है वहाँ। अगर वो उसके पास पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, उसको मुफ्त उसके बच्चे को तालीम मिलती है, और वो तालीम जो कि उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना सके। ये नहीं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो तालीम मिलती है वो ऊपर ही बेचारे बच्चे नहीं आ सकते। और फिर अगर वो बेरोज़गार होता है तो हुकूमत पैसे देती थी रोज़गार जब तक नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जब तक रोज़गार नहीं मिलता था। और फिर जो सबसे बड़ी नेमत, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी नेमत थी वहाँ, वो थी कि मुफ्त इलाज। देखें, ये सिर्फ गरीब ख़ानदान, कमज़ोर घरानों के, बल्कि सफ़ेद पोश वो लोग जानते हैं कि जिनके घरों में बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो इलाज का, वो जानते हैं कि वो किस हिसाब से घर गुजरता है। शौकत खाना हॉस्पिटल क्यों बनाया? वालदा को मेरी कैंसर थी, अस्पताल में मैं गया डॉक्टर को लेने के लिए, उधर मुझे कैंसर का गरीब मरीज मिल गया। तो वो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने मुझे बताया कि ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ जो कैंसर का मरीज है उसके साथ रात गुजारता है, और फिर भी उसके पास पैसे पूरे नहीं होते दवाइयों के लिए। तो मैंने तब ये सोचा कि हम जो अल्लाह ने हैसियत भी दी थी, पैसा भी दिया था, अगर हम इतने अजाब से गुजर रहे हैं तो ये बेचारे गरीब लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो वजह थी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की, शौकत खानम।
ताकि कोई भी गरीब आदमी आए उसका इलाज हो रहा हो, अगर उसके पास पैसे नहीं है, और कैंसर का बहुत महंगा इलाज है, सबसे महंगा इलाज कैंसर का है, तो यहाँ तो 90% लोगों के पास कभी भी पैसा नहीं होगा कैंसर का इलाज करवाने के लिए। तो लिहाजा वो अस्पताल इसलिए बना था कि किसी को एक तकलीफ़ में पूरा ख़ानदान मजबूर हो तो उनको ये फिक्र ना हो कि अगर पैसा नहीं है तो इलाज उनका होगा। तो तब से मैंने सोचा कि अल्लाह ने कभी भी मुझे मौका दिया, इस मुल्क का इक्तदार दिया, तो सबसे ज़रूरी सबसे पहला काम मैंने करना है कि हमारे आम लोगों के लिए ये अजाब उठ जाए कि अगर घर में बीमारी है, वो पहली तकलीफ़ है, तो उनको ये फिक्र ना हो कि हमारे पास पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए। लिहाजा ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आज अनाउंस करने के लिए मैं ख़ास तौर पे लिया आया हूँ, ये इतना ज़रूरी है। दो किस्म के दुनिया में लोग हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह में ईमान है, वो समझते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। दूसरे वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये दुनिया वैसे ही चल रही है, इसमें अल्लाह का कोई मुदाखलत नहीं है। दो किस्म के लोग हैं ना, एक अल्लाह में मानते हैं, एक नहीं मानते। जो मेरा ईमान है वो ये कि अगर आपके पास पैसा है भी नहीं, जो पाकिस्तान के पास अभी तक वो पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप इंसानियत के लिए अपनी सारी जोर लगाते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पैसा खर्च करते हैं इंसानियत के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, तो मेरा ईमान ये है कि उस मुल्क को जब अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो खुश तब होता है जब उसकी इंसानों की कोई खिदमत करता है, अल्लाह तो उससे प्यार करता है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, तो जब वो देखता है, ये मेरा ईमान है कि जब वो देखता है कि एक रियासत अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद कर रही है, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है, तो फिर अल्लाह की बरकत आती है उस माशरे के ऊपर। और यही वजह थी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, जब पैसा भी नहीं था मुसलमानों पे, बुरे हालात थे, लेकिन रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेके दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत बनाई मदीना में। और फिर ये दुनिया इस गवाह है कि कभी दुनिया की तारीख में इतना बड़ा इनकलाब आया नहीं जो कि वो मदीना की रियासत के बाद आया, बल्कि मदीना की रियासत लेके आई। ये दुनिया में कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि 625 में जंगे बदर और 313 और 11 साल के बाद एक सुपर पावर गिरती है और उसके 2 साल के बाद दूसरी सुपर पावर उनके सामने घुटने टेक देती है। ये कभी नहीं हुआ। और ये जो मानने वाले लोग हैं अल्लाह में, उन्हें पता है कि जब अल्लाह खुश होता है, और वो जब सरकार मदीना ने जब इंसानियत को तरजीह दी और इंसाफ को, तो वही देखते देखते दुनिया की इमामत की उन लोगों ने। तो पाकिस्तान का भी वही मॉडल है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, मकरूज हैं, IMF के प्रोग्राम में हम हैं, हमारे पास सूद देते हैं, कर्जों के ऊपर सूद ही देना आता तो पैसा चला जाता है जो कर्जे पिछलों ने लिए थे उसके ऊपर सूद देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो दो सूबों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और अब पंजाब ने, ये जो फैसला किया कि सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी जो भी इस सूबे में लोग रहते हैं, मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इसकी वजह से पैसा आएगा आपके पास। दो सोच है ना, एक जो नहीं मानता अल्लाह में वो कहता है पहले पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर हम फलाई रियासत बनाएंगे, दूसरे जो हमारी तरह में अल्लाह में मानते हैं वो ये समझते हैं कि पहले हम लोगों की खिदमत करेंगे फिर अल्लाह पैसा लेके आएगा। क्योंकि अल्लाह तो जब खुश होता है, वो किसान जो बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अल्लाह के ऊपर होता है, बारिश सही टाइम पे आ जाए तो आपकी ईद बन जाती है, बारिश नहीं आती तो अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो ये तो हमारी तरह के लोग, हम तो समझते हैं कि हमारी पहली ड्यूटी ये है कि अल्लाह को खुश करें, और अल्लाह खुश होता है जब उसकी अवाम की खिदमत करें, उसकी अवाम को सबसे पहली चीज़
कि जब वो बुरा वक्त होता है, जब घर में बीमारियां होती हैं, तो उसको कभी ये फिक्र ना हो कि मेरे पास अगर पैसा नहीं तो मेरा इलाज नहीं होगा। और ये आज जो दो डिविजन्स को आपने, ये पंजाब की दो डिविजन्स को आपने जो हेल्थ कार्ड दिया है, और ये मैं फिर से बता दूं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है कि हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी 7,20,000 रुपए की, कि वो किसी भी, ये भी ज़रूरी है समझना, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं 7,20,000 रुपए पे। और फिर जो डॉक्टर यास्मीन ने दूसरी बात की कि अगर उनके पैसे ख़त्म हो गए तो मज़ीद 3,00,000 और दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज पूरा कर सके, मुकम्मल कर सके। और ये मैं डॉक्टर यास्मीन आपको, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट उसको, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टेट लाइफ के ऊपर, और ये हमें सारा, हमारी फेडरल गवर्नमेंट स्टेट लाइफ के साथ मुसलसल हम इसको स्क्रूटनी करेंगे, इसको देखते रहेंगे, इसकी पूरी तरह इसके ऊपर निगाह रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये कभी हुआ ही नहीं है। और मेरा तो ईमान ये, अब तक हम दुनिया को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं जी दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो पाकिस्तान पहला वो मुल्क, वो काम कर रहे हैं जो शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा है। ये जो सिस्टम हम लेके आ रहे हैं दुनिया में नहीं है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी आप लोगों को ये भी नहीं कह रहे कि प्रीमियम दे, इंश्योरेंस की जो प्रीमियम दे, मुफ्त आप प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है इलाज लोगों का करवाने के लिए। तो इसके लिए वैसे क्योंकि पहली दफ़ा है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, इसके ऊपर हमें मुसलसल निगाह रखनी पड़ेगी, और इसमें चैलेंजेस आएंगे, इसमें फ्रॉड के भी चैलेंजेस होंगे, वो भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से देखना पड़ेगा कि कोई इसके ऊपर इसको गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में सिर्फ यही नहीं कि लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट बन जाएगा, आम लोगों की के लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि उनको, उनकी सेहत की उनको फिक्र चली जाएगी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा हेल्थ सिस्टम इसकी वजह से आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। और मैं अभी भी, लोग ये समझे नहीं है पूरी तरह, मैं हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि अभी से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इनकी हम पूरी तरह मदद करें। इनके लिए हमने ये भी सोचा हुआ है कि औकाफ की ज़मीनों पर और एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों के ऊपर जो हैं, और रेलवे की ज़मीनों के ऊपर भी बड़ी ज़मीनें हमारे पास पड़ी हैं, इनके ऊपर हम बहुत सस्ती ज़मीन इनको दें हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और इनके लिए फिर ड्यूटी फ्री, कोई इनको जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती हेल्थ की, इनको हम ड्यूटी फ्री मंगवाने दें बाहर से, मौका दें ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और सारे पाकिस्तान में हस्पतालों का जाल बिछे। और जो इतना बड़ा मसला हमारे लोगों का है सेहत का, कि ये हमें, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम दुनिया में वो मुल्क पीछे रह गया दुनिया से, जो जिधर हमारी बच्चे तकरीबन दुनिया में उन चंद मुल्कों में से हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से पहले वफात पा जाते हैं, क्योंकि बुनियादी हम उनको पानी नहीं दे सकते साफ पीने का, और जो भी बुनियादी उनको ज़रूरियात हैं। और दूसरा, हमारी जो माएँ हैं सबसे ज़्यादा डिलीवरी के पॉइंट पर पाकिस्तान में, दुनिया में वो चंद मुल्क हैं सबसे ज़्यादा माएँ मरती हैं डिलीवरी के टाइम पर, इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ लिया, और ये जितनी रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स का जो 5 हॉस्पिटल्स बनाने का फैसला किया, ये भी बहुत ज़रूरी इसलिए था कि, फिर से मैं कह रहा हूँ कि चाइल्ड मोर्टेलिटी और जो जो प्रेगनेंसी में मदर, जो माएँ मरती हैं, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में 5-6 मुल्क हैं, जिधर पाकिस्तान टॉप पे है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि रिमोट एरियाज़ के अंदर आप ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बनाएं। तो ये जो आज आपने आगाज़ किया है 4 अरब का, ये बड़ा पैसा आप खर्च कर रहे हैं इसके लिए, और साथ साथ इसके लिए वो भी हेल्थ रिलेटेड है, कि ये जो आपने सोलराइजेशन की है BHUs की, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की, ये भी ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ देहातों के अंदर
रेगुलर सप्लाई बिजली का नहीं है, रिमोट एरियाज़ में बेसिक हेल्थ यूनिट है और उधर बिजली बड़ी देर तक चली जाती है। इसलिए सोलराइजेशन जो सारे हेल्थ यूनिट्स का फैसला हुआ है, शुरू करेंगे बेसिक हेल्थ यूनिट का इधर लैया में और फिर बाकी इलाकों में लेके जाएंगे। ये भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त पहला कदम है। मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर पंजाब आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने फैसला किया कि जो भी सबसे पीछे डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं, डिविजन्स रह गई हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब तक होता क्या रहा है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, मसलन लाहौर, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है और होनी भी चाहिए, हमारा सेंटर है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इलाकों में पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो वो बहुत फ़र्क हो गया है, जितना पैसा लाहौर, इस्लामाबाद या कराची पे, कराची में तो खैर कम, लाहौर और इस्लामाबाद में, बनिस्बत के बाकी जो दूर दराज इलाके हैं। इससे क्या नुकसान हुआ है, तेज़ी से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद की आबादी 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, लाहौर की आबादी 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 20-24 साल में। इससे क्या नुकसान हो रहा है, शहरों के अंदर इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है कि ना वहाँ सही माने में सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं उनको, ना सही माने में गंदगी उठा सकते हैं, ऊपर से जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है। जो कराची के अंदर मसला है आज पानी का, पैसे देने पड़ते हैं लोगों को टैंकर लाने के लिए घर, क्योंकि पानी नहीं है। और जो गरीब इलाके हैं वहाँ बिल्कुल बुरे हालात हैं पानी के, तो इसलिए क्योंकि तेज़ी से शहर इसलिए फैलते हैं कि जब आप बाहर दूर दराज इलाकों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जब आप उनके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं करते, तो वो और पीछे चले जाते हैं और लोग फिर शहरों की तरफ ही जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंट हो वो इंक्लूसिव हो, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंक्लूसिव, यानी सबको शामिल करें डेवलपमेंट में। और ये जो आपने अभी डेवलपमेंट पैकेज दिया लैया का, क्योंकि लैया भी वो सारा डीजी खान, जितनी डीजी खान डिवीजन है ये सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, पीछे रह गई है। तो इसके लिए ये जो आपने पैकेज दिया है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, यहाँ गुरबत पे भी फ़र्क पड़ेगा, इलाके की डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। और आखिर में मुझे एक बड़ी खौफनाक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ डाकुओं ने बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में, कोई उन्होंने वीडियो भी उतारी है बड़ा जुल्म करके किसी गरीब पे। तो मैं पुलिस के अलावा, मैं इंस्पेक्टर आईजी बैठे हुए इनाम, मैं आपको भी और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूँगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के खिलाफ। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करना, इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। तो वो इंशाल्लाह मैं जाते साथ ही रेंजर्स को ऑर्डर करूँगा कि आपकी पूरी तरह मदद करें इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया।